नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टिर उपाध्याय। भारत ने धोखेबाज चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है और अब जल्द ही तानाशाही दिखाने वाले चीन की बर्बादी पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि भारत पहले से किसी को छेड़ता नहीं है। अगर उसे किसी ने छेड़ दिया तो उसे छोड़ता भी नहीं है। लद्दाख में 15 जून को हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। इसीलिए एलएसी के पास चीनी एयरफोर्स की एक्टिविटी को देखते हुए भारत ने स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती कर दी है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि अगर चीनी लड़ाकू विमानों ने भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की तो उन्हें एक झटके में ही वहीं मार गिराया जाएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जो चीन की और भी ज्यादा बेचैनी बढ़ाने वाली है। जी हाँ, भारत अपने पुराने दोस्त इसराइल से एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है। चीन की हर हरकत का माकूल जवाब देने के लिए भारत इसराइल से बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खरीद के लिए बातचीत कर रहा है। बता दें कि दोनों देशों के बीच इस मिसाइल के नेवी वर्जन को खरीदने के लिए साल 2018 में एक डील की गई थी। हाल ही के दिनों में देश पर दुश्मनों की नापाक नजर को देखते हुए इसके जमीनी एयर लॉन्च वर्जन को भी खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इसराइल एयर स्पेस इंडस्ट्रीज ने 2018 में ये जानकारी दी थी कि भारत से उसने $777 मिलियन यानी कि करीब 5,687 करोड़ रुपए की बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील की है। बराक 8 मिसाइल LRSAM श्रेणी के तहत काम करता है। दरअसल मिसाइल कई श्रेणियों में आती हैं, जैसे कुछ जमीन या सतह से हवा में मार करने वाली तो कोई हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है। इसके अलावा इनमें लंबी दूरी, मध्यम दूरी और छोटी दूरी की मिसाइल होती है। मगर ये जो मिसाइल है वो लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। LRSAM का पूरा नाम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। 2018 में हुई इस डील में सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मुख्य कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करेगी। बराकेट लंबी दूरी का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। हथियारों और तकनीकी अवसंरचना, एल्टा सिस्टम्स और अन्य चीजों के विकास के लिए इसराइल का प्रशासन जिम्मेदार होगा, जबकि भारत डायनोमिक्स लिमिटेड मिसाइलों का उत्पादन करेगा। ये जहाजों के लिए एक सुरक्षित वाहक और लॉन्च मिसाइल है और इसे लंबवत रूप से लॉन्च किया जा सकता है। चीन के हिंद महासागर में बढ़ती सक्रियता के मद्देनजर बराक 8 भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। किसी भी हथियार को खरीदने और उसे पूरी तरह से कॉम्पैक्ट रोल में उतारने के लिए लंबा समय लगता है, जिसमें उस हथियार की टेस्टिंग, मेंटेनेंस और तैनाती को लेकर ढेर सारी तैयारियां की जाती हैं। किसी दूसरे देश के मिसाइल सिस्टम जैसे अमेरिका की थार्ड या पैट्रियट, रूस की S-400 को तुरंत तैनात नहीं किया जा सकता है, मगर बराक 8 के साथ ऐसी दिक्कत नहीं है। भारतीय सेना बराक श्रेणी की कई मिसाइलों को पहले से ही ऑपरेट कर रही है। 2017 में भारत और इसराइल ने इस मिसाइल का जमीनी वर्जन की ड्रील को $2 बिलियन में साइन किया था, जिसे LRSAM के नाम से जाना जाता है। LRSAM को INS विक्रांत और नेवी के कोलकाता क्लास डेस्ट्रॉयर्स पर इंस्टॉल किया जाएगा, जबकि इसके जमीनी एयर लॉन्च वर्जन को चीन से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा। इसकी रेंज इतनी होगी कि दुश्मन सीमा पार करने की कोशिश भूलकर भी नहीं करेगा। अमेरिका और रूस के साथ अब इसराइल भी भारत के लिए हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। तो वह रूस इस साल के आखिर तक पहले S-400 एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति भारत को कर देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रक्षा मंत्री के अनुरोध के बाद रूस S-400 को भारत को जल्द देने पर सहमत हुआ है। पहले ये एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम साल 2021 तक मिलने वाला था। ये डिफेंस सिस्टम चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के विमानों और मिसाइलों के लिए काल साबित होगा। भारत ने साफ कर दिया है कि अब वो चीन की गीदड़ भभकियों से बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है। इस बार चीन को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो कभी भी भारत की ओर आंख उठाने की भी हिम्मत ना कर सके। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।